ना सोम शनि ना मंगल, ये दंगल, ये दंगल, ये दंगल। दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे देश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाने पर बहुत बवाल होता है, जिसके लिए शायद ये सरकार भी तैयार नहीं है। आज ऐसा ही एक मुद्दा हमारे शो पर हम लेके आए हैं, जिससे हर हिंदुस्तानी वाकिफ रखता है, हर एक हिंदुस्तानी को तकलीफ है। दंगल का ऑडिशन। दंगल के ऑडिशन में आज हमारे साथ ओ तेरी ओ यार यार जावेद अंकल, आप नहीं, एक्चुअली कोई भी चल जाता, लेकिन अगर आप ऑडिशन देंगे तो तुम्हें क्या पता मैं कितनी बेहतरीन एक्टिंग कर लेता हूँ। बेस्ट काइंड ऑफ एक्टर दैट आई हैव बीन। असल में सीन क्या है, मैं इंडस्ट्री में आया था एक्टर बनने। मुझे रेसलर चाहिए। तुमको रेसलर चाहिए ना, मेरी बॉडी तुमको आइडिया नहीं, एकदम चिजल्ड है ग्रीक गॉडेस की तरह। और तुम मेरे साथ जब दंगल में तुम मंगल करोगे तुमको मजा आ जाएगा, आई स्वेर। तेरी दंगल में तुम रेसलिंग कर रहे हो, नो लेस देन जॉन सीना एंड अंडरटेकर। यू एंड मी विल बी लाइक ब्रेट हार्ट द हिटमैन एंड शॉन माइकल्स। यू एंड मी लाइक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड विंस मैकमैन। यू कैन सी मी, यू कैन सी मी, ओह या, इफ यू स्मेल द रॉक इज कुकिंग। मैं इस तरह की चीजें भी कर लूंगा, तुम ट्राई तो करो एक बार। वेरी नाइस अंकल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया, वेरी 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 नाइस। लेकिन हमको हमको ऐसे एक्टर की जरूरत है जो थोड़ा सा यंग हो। अरे मैं एक्टर ही बनने आया था, मैं गया, मैंने बोला कि ए मेरे को एक्टर बनना है, तो उन्होंने ये मेरे को मिल गए फर्स्ट थोबड़ा जी ने बोला कि गाने लिख दो। मैंने बोला बहन, मैं एक्टर बनने आया हूँ इसकी माँ की, और तू मुझसे राइटिंग करवाएगा? तो उन्होंने कहा कि देखो यार, कोई राइटर राइटर मिल ना, तो प्लीज तुम अगर राइटिंग कर दोगे तो अच्छा है, इसलिए मैं राइटिंग में। आप यंग हैं, लेकिन मैं 150 साल पुराना यंग लेके क्या करूंगा। एक्चुअली वेरी नाइस अंकल, आपका ऑडिशन अच्छा लगा, लेकिन मैं फरहान को ट्राई कर लेता हूँ। मैं एक्टिंग बहुत, क्या बात कर, फरहान के साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा। Shit, man. तो देखा आपने किस तरह से जावेद जी आए और निकल गए। तकलीफ होती है जब इस तरह से किसी एक्टर को रिजेक्ट करना पड़ता है। फरहान उतरी काफी फिट लग रहा है यार तू, मेरी तरह तूने भी अपनी बॉडी को काफी चेंज किया है। आई नो, चल बता तू क्या करना चाहता है। एक्चुअली आमिर, मैं यहां पर इसीलिए आया था कि मैं एक्टिंग में कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। यू नो आई ऑलवेज ट्राई टू प्ले विथ माई बॉडी एंड स्टफ, इसीलिए मैं दंगल में तुम्हारे बेटी का रोल करना चाहता हूँ। दैट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट। मैं अपने बॉडी को उस तरह से ढाल लूंगा जैसे भाग मिल्खा भाग में मैंने बॉडी बनाई थी। ऑल आई हैव टू डू इज पुट सम वेट एट द राइट प्लेसेस, टू हैव द राइट अमाउंट ऑफ क्लीवेज, टू हैव द राइट अमाउंट ऑफ फिगर, और बाकी मेरा चेहरा तो लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड जोया, हम दोनों एक जैसे लगते हैं, आवाज भी ऑलमोस्ट एक जैसे। यार जैसा कि तूने कहा कि तू मेरी बेटी का रोल करना चाहता है, मैं तुझे अपने बेटी का रोल दे तो दूं, लेकिन एक छोटी सी तकलीफ है। दोस्तों ये छोटी सी तकलीफ जो फरहान को है, जो कि शायद कम उम्र से ही फरहान को शुरू हो गई, उसके आवाज की तकलीफ। न जाने कब, कैसे और कहां 25 ट्रैक्टरों के बीच पहचाने जाने वाली ये आवाज उसके गले में आ गई। तुम्हारी वो आवाज जो कि उस तरह की है जब
मिक्सर में आप धनिया नहीं पीसते, ये आवाज उस तरह की है। बट मेरी आवाज और उसमें जब तुम गाना गा देते हो उत्तरी यार, उससे अच्छा गाना तो मैंने गाया था यार, ए क्या बोलती तू। और मैं आपके साथ इसीलिए काम करना चाहता हूँ बिकॉज आप भी मेरी तरह एक एक्सपेरिमेंटल एक्टर हैं, यू नो लाइक आप भी डिफरेंट रोल ट्राई करते हैं, फिजिक चेंज करते हैं, एंड ऑल्सो यू आर ए सिंगर, ए क्या बोलती तू, मैं भी सिंगर हूँ, ना 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 आज बाहरी लागू बाड़ी गया इस तरह। लेकिन चल कुछ करके दिखा। मैंने तो आई डोंट नो डैड। ये फरहान खुद को नई जनरेशन का आमिर समझता है। क्या करें इनका, थक गया मैं इनका ऑडिशंस लेके। अगर हमारे अतरंगी जोक्स ने आपके मूड को सतरंगी किया हो तो प्लीज शेयर लाइक और सब्सक्राइब, वरना घर में घुस के मारूंगा। विस्के दिमाग में भरा है जंगल, ब्लडी अंकल।